हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूँ शुभम और आप देख रहे हैं ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पर बारवा मुकाबला खेला जाएगा आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का, बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड की टीम के बीच में। तो ये मुकाबला खेला जाएगा सोफिया गार्डन्स कार्डिफ में, जहाँ पे आमतौर का स्कोर आपने देखा होगा कि 250 के आसपास का बन रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार स्कोर भी यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ जो रिसेंट मैचेज यहाँ पर हुए। 2019 में यहाँ पर दो मैचेज हुए, अभी अभी आपने देखा था 4 जून को एक मैच हुआ था श्रीलंका और अफगानिस्तान का, जिसमें श्रीलंका की टीम ने 201 रन बनाए थे और अफगानिस्तान 152 रन पे ऑल आउट हो गई थी। उस मैच को श्रीलंका ने विन किया था। तो बहुत कम स्कोर अभी फिलहाल बन रहा है वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप का एक और मैच यहां पर आप देख सकते हो, श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, वो भी एक हाई स्कोरिंग मैच नहीं था, 136 के आसपास वहां पर रन बने थे। तो अभी कुछ देखने को ऐसा मिल रहा है 2019 में वर्ल्ड कप में यहां पर 250 के आसपास से ज्यादा स्कोर नहीं बन रहा है। तो आप फिर भी मान के चलिए 250-300 बन सकता है अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैट करती, क्योंकि इंग्लैंड की होम कंडीशन है और इंग्लैंड के ही ज्यादा स्कोर यहां पर बने हैं 300 प्लस जितने भी बने हैं ज्यादातर यहां पर इंग्लैंड के बने हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड पहले बैट करती है तो कहानी कुछ और होगी, बांग्लादेश पहले बैट करती है तो हो सकता है कि 250 के अंदर रन्स आपको देखने को मिले। तो ये तो बात हो गई पिच कंडीशन की, आगे वीडियो में बने रहिएगा, यहां पर हम आज और भी ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। यहां पर मैं आपको हर प्लेयर का परफॉर्मेंस बताऊंगा, यानी कि लास्ट उसकी ओडीआई की इनिंग्स का क्या परफॉर्मेंस रहा और साथ ही साथ सामने वाली टीम के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस रहा। तो दोनों टाइप के परफॉर्मेंस हम देखेंगे, यानी कि रीसेंट फॉर्म भी हम देखेंगे और इसके अलावा टीम के खिलाफ क्या इनका परफॉर्मेंस रहता है वो भी यहां पर देखने वाले। तो कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो आपने शायद सोची भी नहीं होंगी और कुछ ऐसे प्लेयर्स आपको ग्रैंड लीग के लिए मिल जाएंगे जिन पर आप कल के मैच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा मेहनत यहां पर लगी है, सारे रिकॉर्ड्स मैंने डबल डबल से निकाले, तो यार प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, अगर अगर इसको पसंद आता है वीडियो तो इसको शेयर भी करना, ताकि जो हमारे भाई लोग हैं जिनको यहां पर ये चीजें नहीं मिल पाती उनको ईजिली ये चीजें मिल जाए और वो ग्रैंड लीग में अच्छे से अच्छी टीम बना सके। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं पिच कंडीशन की, तो आपको बता चुका हूं 250 के आसपास का टोटल बनेगा अगर बांग्लादेश पहले बैट करती है और इंग्लैंड पहले बैट करती है तो 300-350 भी आराम से बन सकता है। हाइस्ट स्कोर्स की बात करें तो इस पिच पे आपको देखने को मिलेगा जेसन रॉय का यहां पर हाईएस्ट स्कोर है अगर आप इंग्लैंड की तरफ से देखें, 120 रन इन्होंने लगाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2018 में, 120 रन 108 बॉलों पे। ठीक है, इसके बाद शाकिब अल हसन का यहां पर 114 का हाईएस्ट रिकॉर्ड है जो इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2017 में लगाया था। उसके बाद महमूदुल्लाह का 102 नॉट आउट है जो कि इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2017 में लगाया था। इसके बाद आपको देखने को मिला जो रूट ने यहां पर 93 रन की एक पारी खेली है 2016 में, जॉस बटलर ने 91 रन नॉट आउट यहां पर एक पारी खेली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2018 में। ठीक है, तो आपको इससे थोड़ा परफॉर्मेंस का अंदाजा लग जाएगा। और जेसन रॉय यहां पर पहले भी 87 पाकिस्तान खिलाफ 2016 में लगा चुके, तो ये कुछ कॉमन से प्लेयर है जिन्होंने यहाँ पर 90 और 100 के आसपास रन लगाए, तो ये कल के मैच में आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए और स्मॉल लीग के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्कोर्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो गई हाई स्कोर्स की बात, बात करते हैं बेस्ट इनिंग्स बॉलिंग, यानी सबसे बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर किन किन प्लेयर्स ने कराई है। तो अगर इंग्लैंड की तरफ आप देखोगे तो क्रिस वोक्स आपको दिखेंगे, 4 विकेट लेके 52 रन दिए 10 ओवर में, और इसके अलावा लियाम प्लंकेट दिखेंगे, 4 विकेट लेकर 53 रन दिए, और लियाम प्लंकेट एक बार और 4 विकेट लेकर 55 रन दिए। ठीक है, 17 में भी 4 विकेट निकाले, 18 में खेले तो 18 में भी 4 विकेट निकाले। लियाम प्लंकेट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और इसको देखते हुए टीम इनको वापस जगह दे सकती है प्लेइंग 11 में। ठीक है, क्रिस वोक्स और लियाम प्लंकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कल के मैच में रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा मोसद्दिक हिसन का 3 विकेट निकालने का यहाँ पर रिकॉर्ड है, 13 रन मात्र दिए थे 10 ओवर में और पूरे 10 ओवर नहीं कराए थे, 2017 में ये मैच खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ। फिर भी आप देख रहे हो फिगर्स बहुत बढ़िया है, 3 विकेट 13 रन पे बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, यहाँ पर आपको एक अंदाजा लग जाएगा किस बॉलर ने कैसा परफॉर्मेंस पहले दिया है पास्ट में। अब बात करते हैं मोस्ट रन्स की, सबसे ज्यादा रन्स यहां पर किस प्लेयर ने बनाए, यानी कि एक्सपीरियंस किसको सबसे ज्यादा है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जॉस बटलर ने 307 रन इस पिच पर लगाए, यानी कि बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है। उसके बाद जो रूट ने यहां पर आप देख रहे हो 276 रन लगाए हैं, जेसन रॉय ने 254 रन लगाए, इसके बाद इवन मॉर्गन ने 224 रन, इसके अलावा बात करें तो फिर बेन स्टोक्स ने 205, जॉनी बेरिस्टो ने 181 रन। तो यहां पर आप देखोगे सबसे ज्यादा क्रिकेट यहां पर जॉस बटलर, जो रूट और जेसन रॉय, इन 3 प्लस ने यहां पर बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है और बड़े स्कोर्स के पास भी ये पहुंचे हैं। सो गाइस, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर इंडिविजुअल स्कोर के। तो कल के मैच में आपको तमीम इकबाल फिर से ओपनिंग करते देखेंगे सौम्य सरकार के साथ। तमीम इकबाल का रिसेंट फॉर्म अगर आप देखो तो लास्ट मैच में 24 रन की पारी इन्होंने खेली है, उसके पहले 16 रन 18 रन 57, यानी कुछ खास पारी नहीं रही अभी रिसेंटली अगर देखो। बट अगर आप देखो बांग्लादेश का परफॉर्मेंस इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट जो तमीम इकबाल ने पारी खेली थी वो 128 रन की खेली थी। ठीक है, उसके पहले 45 रन की एक पारी खेली है इंग्लैंड के खिलाफ, 14 रन की 17 रन की। ठीक है, और सौम्य सरकार की बात करो अगर आप तो इनका रिसेंट फॉर्म फिर भी ठीक है, 25 रन लास्ट मैच में लगाए हैं, 42 उसके पहले, 66 उसके पहले, 54 उसके पहले, यानी कि लगभग आप देखो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहां से देखने को मिल रहा है, 40-60-50 के आसपास स्कोर इनके देखने को मिल रहा है। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ 28-40 का इनका यहां पर रिकॉर्ड है जो 2 मैचेस इन्होंने खेले हैं। बट आप देखोगे तमीम इकबाल और सौम्य सरकार में कंसिस्टेंसी सौम्य सरकार की ज्यादा है, बट बड़े टोटल की तरफ आपको तमीम इकबाल ले जा सकते हैं। तमीम इकबाल ने पहले भी 128 रन की पारी खेली तो फिर से 100 का आंकड़ा पार कर सकते हैं, बट सौम्य सरकार का 100 का आंकड़ा पार करना मेरे हिसाब से मुश्किल है। और आपको पता है यहां पर इनका जो हाईएस्ट स्कोर है इतनी 4-5 इनिंग्स में,
उसमें 66 के आसपास का है, तो बड़ी इनिंग नहीं खेल पाते, बट फिर भी आपको कंसिस्टेंसी सौम्य सरकार में ज़्यादा दिखेगी और तमीम इकबाल में आपको बड़ी पारियाँ देखने को मिलेंगी। इसके बाद बारी आती है शाकिब अल हसन की। सो गाइस, अगर आप देखोगे शाकिब अल हसन का लास्ट 5 मैचेस का परफॉर्मेंस, तो लास्ट मैच में 64 रन की पारी खेली, उसके पहले 75, 50 नॉट आउट, 29 और 61 नॉट आउट, तो ये इनकी 5 पारियां रहीं। और यहां पर 2 विकेट निकाले थे इन्होंने लास्ट पारी में, उसके पहले 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, तो ये इनका यहां पर रहा था परफॉर्मेंस, तो आप देख सकते हो। और अगर इंग्लैंड के खिलाफ आप इसी परफॉर्मेंस को देखोगे, आपको देखने को मिलेगा लास्ट के जो 4 मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेले उसमें परफॉर्मेंस कुछ खास रही नहीं, विकेट भी खास नहीं निकाले, तो हो सकता है कल के मैच में ज्यादा अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, बट रिसेंट अगर परफॉर्मेंस देखो तो शाकिब परफॉर्म कर सकते हैं। अभी रिसेंटली इनका फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो मेरे हिसाब से आप टीम में इनको रखिएगा और कैप्टन वाइस कैप्टन की भूमिका भी दे सकते हैं, बट पास में रिकॉर्ड इनका ठीक नहीं रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। मुशफिकर रहीम की बात करते हैं, रहीम की इनिंग्स ठीक रही इंग्लैंड के खिलाफ, खास करके अच्छी इनिंग्स इन्होंने खेली है, 79-67 जो आप रेड कलर में देख रहे हो, ये जो स्कोर है ये लास्ट इनिंग्स है इनकी इंग्लैंड के खिलाफ, और बाकी जो आप ब्लू में देख रहे हो वो इनके लास्ट ओडे मैचेस है हर टीम के खिलाफ, ठीक है। तो रिसेंटली अब देखो तो 19 रन की इन्होंने एक पारी खेली थी अभी वर्ल्ड कप में, उसके पहले 78 रन की पारी, 36 रन, 35-63, ठीक है, तो एक बढ़िया परफॉर्मेंस इनका देखने को दिख रहा मिल रहा है, और इंग्लैंड के खिलाफ और भी अच्छा परफॉर्मेंस इनका हो जाता है, तो ये चीज भी आपको यहां पर दिख रही है। मोहम्मद मिथुन की बात करें तो इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ कोई भी मैच नहीं खेला ओडीआई में, इनके अगर आप रीसेंट रिकॉर्ड देखें ओडीआई में तो 26 रन का एक इन्होंने एक नॉक खेला था, उसके पहले 21 रन का, 17 रन और एक 43 रन की पारी इन्होंने यहां पर खेली है, तो एवरेज सब परफॉर्म टीम के लिए करते हैं। महमूदुल्लाह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के मैच में, एक बढ़िया ऑलराउंडर है, लास्ट मैच में 20 रन की एक पारी खेली, कोई विकेट नहीं मिला उस मैच में इनको, उसके पहले 46 रन की पारी खेली उसमें भी कोई विकेट नहीं मिला, 19 रन की पारी 1 विकेट, 35 रन की पारी 0 विकेट, 30 रन की पारी 0 विकेट, यानी कि ज्यादा विकेट इनको नहीं मिल रहा है रिसेंटली, बट रन लगा रहे हैं 20, 40, 40 के आसपास, तो ये इनके यहां पर स्कोर्स है। और इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ इनके स्कोर ज्यादा अच्छे नहीं रहे, बट जो लास्ट भी 5वीं पारी थी इनकी वो अच्छा, 103 रन की बड़ी पारी इन्होंने खेली 75 रन की, तो लास्ट 5 मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने खेले उसमें 2 बड़ी पारियां इनकी आई है महमूदुल्लाह की, बिकॉज टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है, आपको पता है इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत बढ़िया है, तो ऐसे में टॉप ऑर्डर फ्लॉप होने के चांसेस होते हैं, तो महमूदुल्लाह ने 5 में से लगभग 2 बार अच्छी पारियां खेली है और एक बार एवरेज, और 2 बार बहुत ज्यादा बेकार पारियों के लिए, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मोसद्दिक हुसैन की बात करें तो लास्ट मैच में 11 रन की पारी, उसके पहले 26, उसके पहले 52 नॉट आउट और 14 रन, और उन मैचेस में आप देख रहे हो विकेट लेस रहे, एक मैच में सिर्फ 2 विकेट निकाले, उसके पहले उनको विकेट भी नहीं मिलती, तो आप इनको एज अ बैट्समैन ही देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इंग्लैंड के खिलाफ अगर आप देखो तो 2 पे नॉट आउट, 38-29, 0, कोई ज्यादा बड़े स्कोर्स नहीं है, एक एक विकेट, 4 मैचेस में 2 विकेट भी निकाले इंग्लैंड के खिलाफ, इनका परफॉर्मेंस ऐसा रहा। मोहम्मद सैफुद्दीन की बात करें तो नॉर्मल मैचेस में 29 रन इन्होंने लास्ट मैच में लगाए, उसके पहले 3 बार बैटिंग नहीं आई। इंग्लैंड के खिलाफ अगर आप देखो तो इंग्लैंड के खिलाफ मैंने इनके मैचेस निकाले नहीं, बिकॉज ज्यादा मैचेस इन्होंने खेले नहीं। इसके अलावा अगर आप देखो इनका परफॉर्मेंस विकेट वाइज, तो 2 विकेट लास्ट मैच में निकाले, उसके पहले भी 2 विकेट, उसके पहले 0, उसके पहले 2 विकेट, यानी कि लगभग 4 मैच खेल चुके हैं, उसमें 6 विकेट इनके हैं, तो आप इनको एक परफेक्ट बॉलर बोल सकते हो, बट बैटिंग में ज्यादा इनसे एक्सपेक्ट मत करना, बहुत नीचे बैट करने आते हैं, और लास्ट 4 मैच में सिर्फ 1 बार बैटिंग आई, 29 रन यहां पर लगाए। महेंद्र सिंह विराज की बात करें तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, लास्ट मैच में 2 विकेट, उसके पहले 1-1 विकेट यहां पर इन्होंने निकाला है, तो लगभग आपको 1-2 विकेट निकाल के दे सकते हैं, बढ़िया बॉलर है। मशरफ मौजा की बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पुअर चल रही है, पिछले 4 मैचेस में कोई भी विकेट नहीं मिली, उसके पहले 3 विकेट 2 बार इन्होंने निकाली है, तो यानी कि आपको ग्रैंड लीग विन करवा सकते हैं, यानी कि प्लेयर बढ़िया है, आपको पता है फर्स्ट फॉर्म यहां पर थोड़ा खराब चल रहा है, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ग्रैंड लीग भी तो इन पर करिएगा, 2 बार 3 विकेट इन्होंने निकाले, उसके बाद विकेटलेस रहे पूरे 4 मैचेस में, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। मुस्तफिजुर रहमान इनकी बात करें तो लास्ट में इनको भी विकेट नहीं मिली, बट उसके पहले 3 विकेट मिली है, उसके पहले विकेट नहीं, फिर 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, तो अच्छे प्लेयर हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो, सैफुद्दीन और मुस्तफिजुर में से किसी एक को आप पिक करना, बिकॉज हम वैसे भी बांग्लादेशी कम प्लेयर लेंगे, बॉलिंग में दोनों ही यहां पर अवेलेबल हैं, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन तो मेरे साथ मुस्तफिजुर रहमान है, बट अगर बैटिंग यहां पर जाती है सैफुद्दीन की, हालांकि आती नहीं है, बट अगर आ जाती तो थोड़े बहुत रन भी यहां पर लगा सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज इनके पास है, और फॉर्म भी इनकी यहां पर अच्छी है। तो ये तो बात हो गई यहां पर बांग्लादेश के प्लेयर्स की, हमने एक एक प्लेयर का यहां पर परफॉर्मेंस देख लिया, अब बात करेंगे इंग्लैंड की प्लेयर्स की। सो गाइस, इंग्लैंड की तरफ देखें तो जेसन रॉय का परफॉर्मेंस आप देखो तो लास्ट मैच में 8 रन की एक पारी इन्होंने खेली है ओडीआई मैच में, उसके पहले 54 रन, उसके पहले 114, 76, 87, यानी रीसेंट परफॉर्मेंस थोड़ा सा बिगड़ा है, बट परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया किया है लास्ट के 5 मैच में, आप देख सकते हो 4 बार 50 प्लस आंकड़ा इन्होंने छुए, जिसमें 1 बार इनकी सेंचुरी भी आई है। अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस देखो तो लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला, हालांकि ये जो मैच था 2018-17 में हुआ था, तो ये ज्यादा मैटर नहीं करेगा, जो 1 रन, 13 रन, 41 रन है ये थोड़े 1-2 साल पुराने हैं, तो उन पर ज्यादा बिलीव मत करिएगा। जो वायलेट में आपको देख रहे हैं या भी रीसेंट
इंसिडेंट रिकॉर्ड है, ठीक है। जॉनी बेयरस्टो ने लास्ट पारी 32 रन की खेली, उसके पहले शून्य, उसके पहले 32, 128 और 151, यानी कि लास्ट जो इन्होंने पांच पारियां खेली है उसमें दो बार 50 पार का आंकड़ा किया और एक बार 100 प्लस करा है, ठीक है। दोनों को कंपेयर करो, जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो को देखने को मिलेगा, दोनों ने अपने पांच मैचेस में आखिरी एक एक सेंचुरी लगाया हुआ है। जेसन रॉय ने 3 बार 50 एक्स्ट्रा लगाया, इन्होंने सिर्फ एक बार लगाया, तो जेसन रॉय ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपको पता है इस पिच पर हाईएस्ट स्कोर भी जेसन रॉय का 120 का है, तो दोनों को ही मैं टीम में पिक करने की कोशिश करूंगा। हालांकि अगर आप पूछें दोनों में इंपॉर्टेंट कौन है और रिसेंट फॉर्म देखें तो जेसन रॉय का थोड़ा सा बेटर मुझे दिख रहा है। बात करते हैं जो रूट की, जो रूट का यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है, मैं आपको बता दूं 107 रन लास्ट मैच में ही लगा कर आए, उसके पहले 51 रन की एक पारी खेली थी, 84 रन की एक पारी खेली है, 36 रन, 43 और 40, तो लगभग आप देख रहे हो हर मैच में जो 6 मैच खेले 36 से ऊपर इनके रन रहे, जो मिनिमम रन है वो 36 है, जो मैक्सिमम है वो 107 है। बांग्लादेश के खिलाफ जिन्होंने लास्ट पारी खेली थी वो 133 की नॉट आउट की पारी है, उसके पहले 29 रन लगाए, तो देख रहे हो बांग्लादेश के खिलाफ भी इनका जो मिनिमम है वो 29 का है और मैक्सिमम 133 नॉट आउट है, और जो अभी रिसेंटली 6 मैचेस देखोगे उसमें 36 इनका मिनिमम है और मैक्सिमम 107 है। बाकी स्कोर्स आप देख रहे हो 51, 84, 43, 40, तो बहुत बढ़िया एक प्लेयर दिख रहे हैं यहाँ पर जो आपके लिए कैप्टनसी की भूमिका कल के मैच में निभा सकते हैं। इयान मॉर्गन की बात करें तो लास्ट मैच में फेल रहे, 9 रन इन्होंने बनाए, उसके पहले 57, 76, 17, 71, तो लास्ट की 3 पारियों में इनके भी 3 बार बढ़िया स्कोर आए हैं लास्ट की 5 पारियों में, और लास्ट जो मैच इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेला था उसमें 75 रन की एक पारी खेली, उसके पहले 0, 63 रन की एक पारी, 1-1 रन, यानी कि बहुत कम रन पे चले जाते हैं या फिर एक बहुत बड़ा स्कोर लगाते हैं। ये ऐसे प्लेयर नहीं है जो आपको 35-40 रन लगा के देंगे, या तो 5-10 रन के अंदर आउट हो जाएंगे या फिर 70-71 पहुंचा देंगे, तो इंपॉर्टेंट तो है बट नंबर 4 पे खेलते हैं, तो आप देख लो आपको स्टोक्स को लेना है ईयान मॉर्गन को लेना है, बिकॉज आपको 11 प्लेयर ही चूज करने हैं तो आप हर प्लेयर को तो नहीं ले पाओगे। बेन स्टोक्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट मैच में 13 रन पे आउट हो गए, उसके बाद यहाँ पर 89 रन लगाए उसके पहले मैच में, और उसके पहले 21, 71 नॉट आउट और 37, ठीक है, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। बॉलिंग में बात करें तो बॉलिंग में इनका लक उतना नहीं चल रहा, लास्ट में जो कोई विकेट लेस रहा उसके पहले 2 विकेट निकाले, उसके पहले कोई इनको विकेट्स नहीं मिली है, ठीक है, तो परफॉर्मेंस रिसेंटली उतना अच्छा नहीं है। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ पास्ट में इन्होंने 1-1 विकेट निकाले, जो लास्ट मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने खेले उसमें हर बार इनको विकेट मिली है लास्ट 3 मैचेस में, और इसके अलावा उसके पहले एक मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई जिसमें यहाँ पर टॉप ऑर्डर फायर किए रन, एक मैच में 47, एक में 0, एक में 101 रन की पारी इन्होंने खेली थी, ठीक है, तो बड़े प्लेयर हैं, चाहो तो टीम में रख सकते हो। बटलर की बात करें तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो लगभग आपको हर 3-4 इनिंग्स में एक बड़ी इनिंग देते हैं 100 प्लस की, ठीक है। अगर आप लास्ट मैच का परफॉर्मेंस देखो तो 103 रन की इन्होंने पारी खेली, उसके पहले 18 रन, उसके पहले 34, उसके पहले 0, उसके पहले 110 नॉट आउट, ठीक है, फिर आप देखोगे डू नॉट बैट 23 और फिर 150, तो लगभग आप देख रहे हो जो इन्होंने 8 पारियां खेली हैं 8 पारियों में 3 बार इनके 100 प्लस आए, शतक आए, तो आप इनको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। कल के मैच में हो सकता है कि 20-25 रन से शायद ज्यादा ना बना पाए, बिकॉज इनका जो ट्रेंड आप देख रहे हो वो एक बड़ी पारी के बाद 2 नॉर्मल पारियां इनकी आती हैं, उसके बाद फिर एक बड़ी पारी आती है, ठीक है, तो अभी तो मुझे लग रहा है कि ये 30-35 मैक्सिमम रन लगा सकते हैं, बिकॉज बहुत नीचे भी बैट करने आते हैं, बट बहुत बढ़िया प्लेयर है ग्रैंड लीग में टेक करने के लिए। मोइन अली की बात आते हैं, मोइन अली की रिकॉर्ड अगर आप देखो तो 19, 3, 0, 0, 46, तो कुछ ज्यादा बैटिंग में खास नहीं कर रहे, बॉलिंग में ठीक है, लास्ट मैच में 3 विकेट, उसके पहले 1 विकेट, उसके पहले इनको विकेट नहीं मिल रही थी, तो उतने खास प्लेयर मेरे हिसाब से नहीं रहेंगे, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। वोक्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, लास्ट मैच में 3 विकेट, उसके पहले 0, उसके पहले 5, 4, 1, यानी कि बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, और आप देख रहे हो लास्ट के जो 4 मैचेस खेले उसमें 1 बार 3 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट निकाले, बस एक ही बार यहाँ पर विकेट लेस रहे। जोफ्रा आर्चर की बात करो तो लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिली, बट उसके पहले 3 विकेट और 1-1 विकेट इन्होंने यहाँ पर निकाले ओडे मैचेस में। मार्क वुड लगातार 3 मैचेस से 2-2 विकेट निकालते आ रहे, उसके पहले 4 विकेट निकाले थे, ये भी कल के मैच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आदिल रशीद की जगह पर टीम चाहे तो लियाम प्लंकेट को ला सकती है, प्लंकेट के यहाँ पर 2 बार 4 विकेट निकालने के हॉल हैं जो मैंने अभी आपको रिकॉर्ड्स में दिखाया था, तो प्लंकेट खेल सकते हैं। आदिल रशीद की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करो तो बांग्लादेश के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, वैसे अगर आप देखोगे लास्ट जो मैच इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेला उसमें 4 विकेट निकाले थे, उसके पहले 2 विकेट, उसके पहले 4 विकेट, ये तीनों मैचेस जो है इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे, ठीक है, और बाकी रिसेंट परफॉर्मेंस देखो तो थोड़ा सा गिरा है इनका, इनको विकेट मिल नहीं रहा है, जो इन्होंने लास्ट 5 मैचेस खेले उसमें इनको यहाँ पर 4 विकेट मात्र मिले हैं, हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस अच्छा, तो टीम को डिसीजन लेना है कि रशीद को खिलाना है या फिर प्लंकेट को वापस लाना है पिच को देखते हुए। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली, आपके मेरे हिसाब से आपको बहुत कुछ यहाँ पर एक बिग आइडिया बिग पिक्चर मिल गई होगी आपको कल कैसी टीम बनानी है, और ये रिकॉर्ड्स आपके काम में आएंगे। आप चाहो तो इनको वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं यहाँ पर स्लो मूव इसको कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको पॉज करो और इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लो, आपके कल काम में ये बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और आपको स्क्रीनशॉट लेने में उतनी मेहनत नहीं लगेगी, तो एक लाइक भी छोड़ दीजिएगा, तो वीडियो को आप पॉज कीजिए और इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। सो गाइस सारे रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए, अब बात करते हैं ड्रीम इलेवन की टीम की, देखते हैं कि आपके लिए टीम बना सकते हैं।
सो गाइस इससे पहले हम बात करें ड्रीम इलेवन की टीम की, आपको पहले इंडस गेम्स की टीम प्रोवाइड कर देता हूं। तो जो लोग नए उनको बता दूं, इंडस गेम्स एक बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है और यहां पर आप नॉर्मल लीग तो खेल ही सकते हो, उसके साथ ही साथ आप बीच मैच में भी लीग्स को ज्वाइन कर सकते हो जो इन लीग्स यहां पर कहलाती है। यानी कि एक ही मैच में आप चार बार यहां पर लीग्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी मैं आपको टीम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूं और डेली बहुत से लोग इसको विन भी करते हैं, बिकॉज बहुत ईजी होता है टीम फॉर्मेशन करना और जो लोग खेल रहे हैं उनको पता है किस टाइप से यहां पर टीम फॉर्म करनी है। अगर आप नए हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इन लीग्स की एक दो या फिर तीन मैचेस तक की मैं आपको टीम प्रोवाइड करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हम विन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको टीम प्रोवाइड करता हूं। हर इनिंग की तो नहीं देता, बट फिर भी जिसमें चांस ज्यादा होता है उसकी मैं आपको टीम प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो इन लीग्स में आप चार बार एक ही मैच को खेल सकते हो। इसमें रहता क्या है कि फर्स्ट इनिंग में आप दो बार खेल सकते हो और सेकंड इनिंग में दो बार, यानी कि 1 से 20 ओवर आप खेल लो, फिर 21 से 40 ओवर खेल लो, सेम टू सेम आप सेकंड इनिंग में भी कर सकते हो। सिर्फ आपको 7 प्लेयर लेने होते हैं, एक टीम से मैक्सिमम 3 प्लेयर। ठीक है, तो इसकी टीम मैं आपको टेलीग्राम प्रोवाइड करता हूं। फिलहाल के लिए मैं आपको नॉर्मल लीग की टीम दे रहा हूं। आपको बता दूं यहां पर जैकपॉट लीग्स भी हैं, अगर आप जैकपॉट लीग ज्वाइन करते तो आपके पास एक मौका होता है बड़ा अमाउंट विन करने का। जैकपॉट लीग्स में क्या होता है कि आप अगर एक सर्टेन पॉइंट को क्रॉस करते हो, जो इनकी पॉइंट लिमिट रहती है उसको क्रॉस करते हो, तो आपको एक्स्ट्रा प्राइस भी मिलता है। यानी कि 35 रुपए की अगर आप लीग लगा रहे हो, 25 रुपए की या फिर 35 रुपए की जितनी भी आप यहां पर लीग लगा रहे हो, आप उसका प्राइस तो विन करोगे करोगे, इसके अलावा आप यहां पर जैकपॉट भी विन कर जाओगे। बाकी स्वैप लीग के बारे में आपको पता ही होगा, यहां पर आप अब बीच मैच में एक दो प्लेयर चेंज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सी लीग ज्वाइन करी है, एक प्लेयर वाली, दो प्लेयर वाली या फिर कैप्टन वाइस कैप्टन वाली, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। कभी कभी होता है कि हम बैटिंग ऑर्डर कुछ और सोच के बैठते हैं और कुछ और निकलता है, तो इस कंडीशन में वो चीज आपको हेल्पफुल होती है और आप अपना प्लेयर बदल सकते हो, बस वो आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। नॉर्मली की क्या टीम हो सकती है वो दे देता हूं। इसकी टिप क्या है मैं आपको बता दूं, जो लोग नए उनको बता दूं, यहां पर कोशिश करना कि ज्यादा बैट्समैन टीमें पिक कर सको, बिकॉज यहां पर रन के तो 1 रन का 1 पॉइंट मिलता है बट बाउंड्री के 2 पॉइंट और 6 हिट का 3 पॉइंट तक यहां पर मिल जाता है, तो बहुत ज्यादा पॉइंट यहां पर आप अर्न कर सकते हो अब बैटिंग सेक्शन से। और इसके अलावा स्ट्राइक रेट अगर ज्यादा हो तो उसके भी पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो ले देकर बहुत ज्यादा पॉइंट्स यहां पर बैट्समैन को मिल जाते हैं। हालांकि पिचेस जिस टाइप से बिहेव कर रही हैं, आप बॉलर्स को भी टीम में पिक कर सकते हो, बिकॉज 200-250 का स्कोर बनता है, अगर 200 का स्कोर बनता है तो फिर तो बॉलर ही डोमिनेट करेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इंग्लैंड की टीम से ही आपको ज्यादा प्लेयर्स पिक करने हैं और खास करके जो अच्छे बैट्समैन हैं उनको नहीं छोड़ना है। तो इस मैच में क्या टीम बन सकती है वो देख लेते हैं। सो गाइस ये मेरे यहाँ पर टीम रहने वाली इंडस गेम्स में कैप्टन मेरे यहाँ पर जो रूट रहेंगे, जिनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे रहे बांग्लादेश के खिलाफ भी और इसके अलावा रीसेंट फॉर्म भी बेटर है, तो इनको मैं कैप्टन रखूंगा। वाइस कैप्टन शाकिब को रखूंगा, बढ़िया ऑलराउंडर है, अभी रीसेंट फॉर्म भी इनका अच्छा है, तो ये दो प्लेयर मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। जेसन रॉय का 120 अभी मैंने आपको दिखाया दिया था, तो इसको भी आप कंसीडर कीजिएगा। बैरिस्टो को टीम में रखना चाहते तो सौम्य सरकार को हटाना पड़ेगा। बैरिस्टो को मैं आपको बता दूं, बैरिस्टो आपको यहाँ पर मुशफिकर रहीम के साथ मिलेंगे तो आप एक को ही ले पाओगे। सॉरी अगर आपको सौम्य सरकार को हटाओगे तो बैरिस्टो को तो टीम में लिया है मैंने, आप यहाँ पर ले पाओगे जॉस बटलर को टीम में। ठीक है, बटलर को टीम में पिक करना है तो सौम्य सरकार को आपको हटाना पड़ेगा, बहुत नीचे बैट करने आते हैं, इसलिए मैंने सौम्य सरकार को पिक करा यहाँ पर और बेन स्टोक्स को पिक करा है। क्रिस वोक्स है यहाँ पर, आप देख रहे हो जोफ्रा आर्चर को लिया है, मार्क वुड और इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान को लिया, आप चाहो तो सैफुद्दीन को भी टीम में पिक कर सकते हो। ये मेरी यहाँ पर टीम रहने वाली कैप्टन वाइस कैप्टन की जो बेस्ट चॉइस रहेगी वो जो रूट रहेगी, जेसन रॉय रहेगी। इसके अलावा बात करें तो शाकिब एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, मुशफिकर के रिकॉर्ड बहुत अच्छे रहे, 4-5 प्लेयर पर आपको ज्यादा फोकस करनी है। तमीम इकबाल बड़े प्लेयर है तो ग्रैंड लीग में इनको भी आप ट्राई कर सकते हो, 128 लास्ट इनका रिकॉर्ड था इंग्लैंड के खिलाफ, तो चीज का ध्यान रखना है। तो फिलहाल के लिए तो ये टीम मेरी रहने वाली, इसमें कोई अपडेट होगा तो आपको आगे बता दूंगा। अब बात करते हैं ड्रीम इलेवन की टीम की, देखते हैं वहां पर आपके लिए क्या कुछ टीम बना सकते हैं। सो गाइस यहां पर आपके लिए दो टीम मैंने बनाई हुई है, टीम वन जो है वो हेड टू हेड के लिए है और टीम टू जो है वो ग्रैंड लीग के लिए। ठीक है, इसमें आप कैप्टन वाइस कैप्टन बदल भी सकते हो, जो रूट को भी कैप्टन रख सकते हो, अच्छे ऑप्शन रहेंगे कल के मैच में, शाकिब को भी वाइस कैप्टन रख सकते हो। ठीक है, तो पहले मेरी आप टीम वन को देख लो, ये मेरी हेड टू हेड के लिए टीम रहेगी, इसमें मैं बताता हूं मैंने क्या किया है, और ये मेरी टीम टू है जो मैंने ग्रैंड लीग के लिए बनाई है, और इसमें आप देख रहे हो रिस्क मैंने लिया है तमीम इकबाल के साथ, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, बट आपको पता है बड़ी इनिंग अगर कोई खेल सकता है यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से, तो कुछ 2-3 प्लेयर ही हैं जिन्होंने बड़ी इनिंग्स पहले खेल रखी हैं, जिसमें एक तमीम इकबाल हो जाते हैं, एक शाकिब हो जाते हैं, महमूदुल्ला तो बहुत कम बड़ी इनिंग खेलते हैं, एक मुशफिकर रहीम है, तो ये 3-4 जो प्लेयर हैं इनमें से कोई एक बड़ी इनिंग खेलेगा, जिसमें तमीम इकबाल के पास एक भरपूर मौका है। बहुत कम लोग इनको कल के मैच में कैप्टन रखेंगे, इनका रिसेंट परफॉर्मेंस खराब है बट इन्होंने लगाई है बड़ी इनिंग्स, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वाइस कैप्टन इस टीम में मेरे जेसन रॉय रहेंगे, लास्ट में फेल हो गए तो इनको भी बहुत कम लोग शायद कैप्टन वाइस कैप्टन रखें, तो ये दो प्लेयर जो है वो आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और नॉर्मल जो टीम रहेगी जो सबके कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे वो मेरे हिसाब से शाकिब और जो रूट रहेंगे, रीसेंट परफॉर्मेंस भी बढ़िया है और बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने अच्छा पहले परफॉर्म किया है, शाकिब के भी रीसेंट रिकॉर्ड अच्छे, तो इन दो को ही रखो। बाकी आप देख रहे हो मैंने बांग्लादेश की टीम से मुशफिकर रहीम को टीम में पिक कर रखा है, इसके अलावा मैंने तमीम इकबाल को पिक कर रखा है, आप चाहो सौम्य सरकार को भी ले सकते हो, जॉनी बेरस्टो को टीम में पिक कर रखा है, जेसन रॉय को लिया है, बैन स्टोक्स को लिया है, जॉस बटलर बहुत ज्यादा नीचे बैट करने आते हैं वरना मैं उनको भी टीम में पिक कर लेता और एक बड़ी इनिंग खेल चुके हैं, तो मेरे हिसाब से अब जो इनिंग आएगी वो 30-35 से ज्यादा की शायद ना आए और बहुत नीचे बैट करने आते तो मेरे हिसाब से उतना अच्छे ऑप्शन शायद आपके लिए ना रहे। मॉरन को भी मैंने टीम में पिक नहीं करा, आप चाहो तो कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से बैरिस्टो थोड़े से बेटर ऑप्शन रहेंगे।
करेंगे जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेंगे, और आपको पता है बांग्लादेश के विकेट ज्यादा गिर सकते हैं, तो इस कंडीशन में बेनस्टोस को भी एक आध विकेट मिलता है तो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगे। बाकी आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर पूरे इंग्लैंड के बोलर्स टीम में पिक करें, क्रिस वोक्स हो चाहे मार्क वुड हो चाहे जोफ्रा आर्चर हो, लियाम प्लंकेट खेलते तो वो भी कल के मैच में इंपॉर्टेंट होगी, तो फिर इन तीनों में से आप किसी एक को हटा के उनको ले सकते हो। मार्क वुड रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वोक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जोफ्रा थोड़े से डाउन चल रहे हैं, तो आप इनको हटा के चाहो तो किसी और को ले सकते हो। बाकी यहाँ से मैंने सैफुद्दीन को पिक करा है, आप चाहो तो मुस्तफिजूर को भी टीम में पिक कर सकते हो, मुस्तफिजूर रहमानी बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेंगे, तो सैफुद्दीन और इनमें से आप किसी एक को पिक करना, रेगुलर बोलिंग की तरफ जाओ तो मुस्तफिजूर ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो ये मेरी फिलहाल की टीम है, इसमें कोई अपडेट होगा तो फिर मैं आपको टेलीग्राम फैन कोड पर बता दूंगा। फिलहाल इतना ही, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को जरूर ध्यान से सब्सक्राइब करें, नए हो तो अगर सब्सक्राइब भी करना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ताकि आपको टाइम टू टाइम न्यूज मिलती रहे, और इसके अलावा शेयर कर सकते हो तो किसी ग्रुप वगैरह में इसको जरूर शेयर करना, ताकि जो मैंने इतनी सारी मेहनत की किसी ना किसी के काम तो आ जाए। ओके गाइस, बाय।